नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं आज के वीडियो स्टार्ट कर लें। हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं आप लोग को एक अच्छा सा टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि खास करके नए यूट्यूबर हैं जो कि यूट्यूब अपना बनाते हैं चैनल और वीडियो अपना क्रिएट करते हैं, पोस्ट करते हैं चैनल पर, इसलिए कि वो चाहते हैं कि मेरा चैनल कब ग्रो हो जाए और कब मेरा सब्सक्राइबर्स 1000 और वॉच टाइम 4000 घंटे हो जाए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और बहुत सारे यूट्यूबर जो नए नए हैं उनको ये नहीं पता है। उस बहुत लोग कहते हैं कि एक साल के अंदर में ही आपको इतना करना है, मान के चलिए 1000 सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम 4000 घंटे, तो ये एक साल में ही करना है। तो एक साल में ही करना है, लेकिन कैसे यूट्यूब वाला काउंट करता है और कैसे करके मोनेटाइज आपका चैनल करता है, सारे चीज़ें आज के वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो एग्जांपल के लिए मैं सारे चीज़ें देखे लिख रखा हूँ, तो चलिए जान लेते हैं कैसे काउंट करता है यूट्यूब वाले। बहुत सारे यूट्यूबर को पता नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि एक साल के अंदर हम नहीं गेन कर पाएंगे 1000 और 4000 वॉच टाइम तो हमारा चैनल बंद होगा। कोई कहता है कि बंद हो जाएगा, कोई कहता है कि मोनेटाइज कभी नहीं हुआ, कोई कहता है कुछ कहता है, कोई अवांट बावट आदमी बोलता रहता है, कुछ पता नहीं रहता है कन्फर्म कि आखिर कैसे काउंट करता है यूट्यूब। तो हम चलिए आज के वीडियो में इसीलिए लेकर आया हूँ कि सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, ताकि किसी के मन में ऐसा ना रहे और अपना यूट्यूब पर काम करें दिल लगा कर, मन लगा कर। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए वो कैसे काउंट करता है। तो देखिए 2000 मान के चलिए, मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ कि 2018 में मैंने चैनल क्रिएट किया, बनाया, तो उस समय मेरा रिक्वायरमेंट है, देखिए यूट्यूब वाले एक साल के अंदर में सब्सक्राइबर्स 1000 और वॉच टाइम हमें चाहिए 4000 वॉच टाइम चाहिए, मान लीजिए 4000 घंटे हमें वॉच टाइम चाहिए। तो इतना हमको गेन करना है, इतना हमें एक साल के अंदर में करना है, कैसे करना है। तो देखिए इतना हमको करना है, तो मान के चलिए यहाँ पर मैंने जनवरी से लेकर यहाँ दिसंबर तक मैंने लिख रखा है। तो मान के चलिए मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी में मैंने मान के चलिए 50 सब्सक्राइबर्स यहाँ पे गेन किया, 50 मैंने जनवरी में सब्सक्राइबर्स आए और फरवरी में नहीं आए, फिर से मार्च में देखिए मार्च में 200 आए, फिर अप्रैल में मुझे 21 सब्सक्राइबर नहीं मिले, फिर जून में यहाँ पे देखिए 1000 मिले और जुलाई में देखिए 1 नहीं मिले और अगस्त में सेम ही देखिए 1 हमको नहीं मिला सब्सक्राइबर्स। यहाँ सितंबर में देखिए 50 मिले और फिर से अक्टूबर में 1 नहीं और फिर से नवंबर में देखिए फिर सेम ही 1 नहीं। यहाँ दिसंबर में मेरा 300 मिले, तो यहाँ तक तो मेरा दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक मेरा कंप्लीट हो गया, एक साल तो कंप्लीट हो चुका है। अभी काउंट करते हैं कितने सब्सक्राइबर्स हुए, तो देखिए 50 और 200 और 50 मान के लिए 100 हो गया और 200 300 एक 400, टोटल 400 हुआ। यहाँ मान के चलिए यहाँ हमारा टोटल हो गए 400 और 400, अब फिर ये दिसंबर का 300 ले लेंगे, 300 इसका ले लेंगे, तो कितना हुआ 007, यहाँ टोटल 700 हुए और हमें चाहिए 1000, मान के चलिए 1000 हमें चाहिए, तो 1000 तो नहीं हो पाए तो हमारा चैनल यहाँ मोनेटाइज नहीं हो सकता है और ना ही हमारा चैनल बंद हो सकता है। ऐसे बंद नहीं हो सकता है, ना ही मोनेटाइज हो सकता है। फिर से हमें 2000 यहाँ से मान के चलिए 19 से स्टार्ट हो गया, तो फिर हमें उसी चैनल पर हमें काम करना होगा, जैसे हम काम कर रहे थे, जैसे वीडियो अपलोड कर रहे थे वैसे करते रहना है और कोशिश करना है कि मेरा अच्छा से अच्छा वीडियो हो और लोगों को मतलब अट्रैक्ट करें और लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए अच्छे से काम करना है, फिर से मान के चलिए 19 में हमारा जनवरी से स्टार्ट हो गया, यहाँ तक मैंने लिख रखा है, तो जनवरी से मैंने फिर से स्टार्ट किया। तो जनवरी में मान के चलिए मैंने अच्छा सा वीडियो बनाया फिर से, तो जनवरी में मेरा 300 सब्सक्राइबर्स हो गए और फरवरी में मेरा 1 नहीं हुए और यहाँ पे मार्च में 400 हो गए, तो 400 हो गए। तो यहाँ तो मान के चलिए यहाँ 1, 2, 3, 4 महीने के अंदर में मैंने 700 काउंट कर लिया, 700 सब्सक्राइबर बना लिया मैंने, तो 700 बना लिया। तो वो यूट्यूब वाला ऐसे काउंट करता है, देखिए उसको साल से मतलब नहीं है, उसको मान के चलिए यहाँ से काउंट करेगा दिसंबर से,
तो यहाँ मान के चलिए कितना 3 मंथ होगा, 1 2 3 3 मंथ हुआ। यहाँ 2019 में 3 मंथ ही काम किए, तब तक यहाँ मेरा 700 हो गए, 700 सब्सक्राइबर्स हो गए, और इसमें दिसंबर में 300 हो गए। तो यहाँ दिसंबर से वो साल काउंट करने लगेगा, तो दिसंबर से यहाँ तक तो काउंट करेगा, तो मान के चलिए 300 और 300, 600 और 600, 4 4 1,000, तो 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए मेरा टोटल। तो यहाँ कितना मंथ मंथली कितना हुआ, तो देखिए यहाँ दिसंबर, फिर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो यहाँ मार्च तक ही आपका हो गया था, 3 4 मंथ में आपका 1,000 हो गया। तो यहाँ चैनल आपका मोनिटाइज हो सकता है, यहाँ हो जाएगा, यूट्यूब वाले ने मोनिटाइज आपका चैनल कर देगा, यहाँ से आपका अर्निंग कंप्लीट हो जाएगा, अर्निंग होने लगेगा, आपका अर्निंग होने लगेगा, अब फिर से आप काम करने लगेंगे, आपका चैनल रैंकिंग कर जाएगा। तो ऐसे होकर ऐसे काउंटिंग करता है यूट्यूब वाले। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन रहता है कि हमें 1 साल के ही अंदर में करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मान के चलिए दिसंबर में 300 हुए, तो उसी उसी मंथली से काउंट करने लगेगा। तो दिसंबर में 300 हुए, उसके बाद जनवरी में हुए, फरवरी में हुए, उसके बाद यहीं से काउंट कर लेगा, देखेगा कि इसका इतना हो गया, तो वो मोनिटाइज कर देगा। और रहा बात अभी वॉच टाइम का, तो वॉच टाइम का कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वॉच टाइम अगर ना कंप्लीट हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर सब्सक्राइबर्स हो गए, अगर ऐसा तो होता नहीं है, अगर ऐसा हो गया कि मान कर चलिए आपका सब्सक्राइबर्स हो गए और वॉच टाइम नहीं हुआ, मान के चलिए 3 ही हज़ार हुआ, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, 3 हज़ार हुआ, तो खुद से बना सकते हैं, उसके कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर आपका 3 हज़ार हुआ, तो मैं बता देता हूँ, एक टेक्निक है अच्छा खासा, तो देखिए तो छोटा सा टेक्निक है, इसे आप कर सकते हैं, खुद से ही कर सकते हैं, तो आपका ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है सब्सक्राइबर के वॉच टाइम के बारे में। तो यहाँ मान के चलिए 3 हज़ार हुआ, 1 हज़ार आपको नहीं हुए, 1 हज़ार आपको चाहिए यहाँ पे। तो देखिए आपका 3 हज़ार हो चुके हैं इतना दिन के अंदर में, 4 मंथ के अंदर में, और 1 हज़ार कम है। तो आपको ये करना है कि किसी के मोबाइल में अपने वीडियो लेकर प्ले करके छोड़ देना है, और अपने खुद से जितने वीडियो है एक एक बार देख लेना है, तो वो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो खुद से बढ़ा सकते हैं, 1 दिन के अंदर में बढ़ा सकते हैं, तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो अपना से अपना खुद पे अपना पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बढ़ाएंगे अपना मोबाइल में, फ्रेंड के मोबाइल में, बहुत सारे फ्रेंड है कि जो नेट मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनके मोबाइल में आप अपना वीडियो लेकर मोबाइल देख लीजिए, उसका वॉच टाइम कंप्लीट कर लीजिए 4 हज़ार घंटे, और मोनिटाइज कर दीजिए। तो मेन पॉइंट है आपका सब्सक्राइबर्स का, तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है सब्सक्राइबर्स हम कैसे गेन करें। तो सब्सक्राइबर हो गए तो समझिए आपका काम हो गया। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल के अंदर में करना है आपको, और 1 साल के अंदर में अगर ना हो तो चैनल बंद हो जाएगा, यूट्यूब वाला बंद कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को पता नहीं है कि कैसे काउंट करता है, लेकिन यूट्यूब वाले ऐसे काउंट करते हैं। अगर आप मान के चलिए 18 में चैनल बनाए और 19 में भी नहीं हुआ, 20 में भी नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, तो ऐसे करके मान के चलिए 22 में आप काम करने लगे अच्छे तरीक़े से, तो 22 में मान के चलिए कि अच्छा खासा आपका सब्सक्राइबर्स और व्यूअर आए, तो ऐसे आपका उस समय सब्सक्राइब हो सकता है, यही चैनल मोनिटाइज हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका चैनल कोई बंद होगा या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर मान के चलिए आपका यहाँ पे 1,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, आपका मोनिटाइज हो गया, फिर से मान के चलिए 20 में आपने काम करना छोड़ दिया, और वहाँ पर साल में इतना रैंकिंग उसका नहीं, उसका मतलब चैनल पर नहीं आया, मान के चलिए सब्सक्राइबर्स कम हो गए, और 1 साल में 1,000 नहीं हुए, तो फिर से आपका डिसेबल हो जाएगा मोनिटाइज। तो आपको इस एवरेज से चलना है कि आपका वो 1 साल के अंदर में 1,000 सब्सक्राइबर्स रहे, एनो टाइम अपडेट होते रहे, 1,000 प्लस होते रहे, और वॉच टाइम 4 हज़ार घंटे होते रहे, तभी वो मोनिटाइज रहेगा, आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको यही कोशिश करना है कि ऐसा काम करें तो कि हमारा कभी भी मतलब जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ते रहें, ऐसा ना कि मतलब बीच में चल के सब्सक्राइबर्स ना होने के कारण आपका चैनल डिसेबल हो जाए। तो आपको काम करना है, और ऐसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन मान के चलिए हम बता रहे हैं आपको कि 1,000 जो सब्सक्राइबर्स आपको गेन करना होता है उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर वो हो गए तो मान के चलिए आपका चैनल ऐसा कभी टाइम ऐसा ख़राब नहीं आएगा कि आपका चैनल डिसेबल हो, आपका चैनल रैंक कर जाएगा, ग्रो हो जाएगा, अच्छा खासा आप अर्निंग करने लगेंगे। तो ये रहा आज का। अब उम्मीद करते हैं सारे लोगों का प्रॉब्लम जो भी था सॉल्व हो गया होगा, और सब लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे यूट्यूब पे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक कीजिए, और चलते हैं आज के लिए बस इतना ही।